कृष्ण जय श्री कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः गया गदाधराय नमः। मित्रों, ये हमारी मोक्ष की भूमि, ज्ञान की भूमि गया जी। इसके बारे में इसकी महिमा अनेक अनेक पुराणों ने गाया है, अनेक अनेक धर्म ग्रंथों में इस पवित्र भूमि का उल्लेख आया है। इसी संदर्भ में हमारे वायु पुराण कहती है कि वासम पूषा कुरुक्षेत्रे गोगृहे मरणं तथा आत्मज्ञानम गया श्राद्धम तेषां मुक्ति चतुर्विधा। हम हिंदू धर्माविलंबी पूर्व जन्मों में विश्वास रखते हैं, हम ऐसा मानते हैं कि अपने कर्मों के अनुसार अनेक अनेक लगभग 84 लाख योनियों में भटकने के पश्चात हमें मोक्ष की उपलब्धि होती है और उस मोक्ष को देने वाला यह मोक्षदायिनी भूमि गया जी माना गया है। कहते हैं भगवान ने हमारे मुक्ति के 4 मार्ग बताए हैं। वासम पूषा कुरुक्षेत्रे, अर्थात जो कुरुक्षेत्र में धर्म युद्ध में वीर गति को प्राप्त होता हो उसको मुक्ति मिलेगी। गोगृहे मरणं तथा, या जिसका प्राण गौशाला में जाता हो। आत्मज्ञानम गया श्राद्धम तेषां मुक्ति चतुर्विधा, या कोई आत्मज्ञान को उपलब्ध होता हो। आत्मा की ज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान है, जो आत्मज्ञान को उपलब्ध हो जावे, अन्यथा उसका पुत्र गया जी में आके श्राद्ध कर्म को करता हो तब उसको मुक्ति मिलती है, उसको मोक्ष मिलता है। तो हम अभी हैं भगवान श्री विष्णु के जहाँ चरण कमल अंकित हैं, जहाँ भगवान के पाद पंकज यहाँ धर्मशिला पर विराजते हैं, इस पवित्र भूमि पर हम आज यहाँ, ये मेरी मातृभूमि भी है, हम यहाँ पर हैं। इसके बारे में कहा जाता है, अत्र विष्णु पदम दिव्यम दर्शनादि पापनाशनम अर्श पर्श पूजनम चैव आत्मानाम मुक्ति हेतवे। भगवान के पाद पंकज को स्पर्श करके दर्शन करने मात्र से ही हमारे सारे पूर्वजों की सदगति होती है, समस्त पूर्वजों को मोक्ष मिलता है। और हम जिस नदी के किनारे पर हैं, ये भगवान श्री चरण, भगवान विष्णु के श्री चरण को पखारती ये फल्गु नदी, जो निरंतर सदियों से भगवान के श्री चरणों को पखारती आ रही हैं और ये अनेक अनेक जन्मों के पाप से मुक्ति दिलाने में सामर्थ्यवान यह नदी, इसके बारे में कहते हैं, फल्गु सरिता श्रेष्ठा सर्व पाप विनाशनिम बालम वृद्धम कृतम पापम हर में ही फल्गुदकम। जाने अनजाने में हमसे हुए भूल, हमसे हुए पाप कर्म को तत्क्षण नाश कर देने में समर्थवान यह नदी हमारे गया की हृदय मानी गई है। ऐसा कहते हैं एक पुरानी कथाओं के अनुसार कि जब भगवान श्री राम यहाँ पर अपने पूर्वजों के आत्मा शांति के लिए आए थे तो यहाँ पर भी पधारे थे और इसी तट पर उन्होंने अपने पिता और अन्य पूर्वजों का श्राद्ध कर्म किया। तो यह जो गया भूमि है वो अनेक अनेक ऋषियों की, महंतों की, संतों की, ज्ञानियों की भूमि रही है और सदा से हम सनातन धर्माविलंबियों को मोक्ष दिलवाती रही है। और आने वाले समय में आप सबको मालूम होगा कि आने वाले 23 सितंबर से 9 अक्टूबर के बीच चलने वाला महालया काल, जिसको पितृपक्ष भी कहते हैं, इस दरमियान, इस बीच में, पितृपक्ष के बीच में किए गए श्राद्ध कर्म साक्षात हमारे पूर्वजों को प्राप्त होता है। तो अभी आने वाले कुछ ही दिनों में यहाँ पितृपक्ष का अंतर्राष्ट्रीय मेला, जो हर वर्ष प्रतिवर्ष यहाँ पर लगता आया है, आने वाले 23 सितंबर से 9 अक्टूबर तक चलने वाले इस पितरों के महासम्मेलन में, पितरों के महामिलन में, ये पितरों के महाउत्सव में आप सब शामिल होने गया जी पधारिए, अपने पितरों की मोक्ष की कामना के साथ, और यह पवित्र भूमि का दर्शन करें। हमारे फल्गु, विष्णुपद, अक्षयवट आदि आदि ऐसे स्थान हैं जहाँ पर हमारे दिवंगत आत्माओं को मुक्ति के लिए श्राद्ध कर्म किया जाता है। श्राद्ध का हमारे हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। आज फल्गु के विषय में मैंने थोड़ी जानकारी दी। मैं नित्य ही गया में अनेक अनेक ऐसे तीर्थस्थान हैं जहाँ पर श्राद्ध कर्म, ध्यान, पूजा आदि का विशेष महत्व पुराणों ने, वेदों ने बताया है। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं रोज ही गया के अलग अलग क्षेत्रों के विषय में थोड़ी जानकारी आप सबको दे सकूं। आज हम हैं फल्गु नदी के तट पर, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो पितरों के तर्पण का कार्य प्रारंभ होता है वो यहीं से शुरू होता है। यहाँ पर भगवान श्री राम ने अपने पिता दशरथ जी के लिए ये श्राद्ध कर्म किए हैं।
धर्मराज ने यहाँ पर श्राद्ध किया है और पुराणों की माने तो स्वयं ब्रह्मा जी भी इस धरती पर आ चुके हैं और श्राद्ध कर्म को किए हैं। तो गया पितरों की भूमि है, पितरों की मोक्ष की भूमि है और फल्गु नदी हमें जीवन के साथ साथ जब तक हम इस धरा पर हैं जल रूप में हमें जीवन देती है और मृत्यु के पश्चात यही नदी हमें तारती है, हमें मोक्ष देने में सामर्थ्यवान है। तो आइए एक बार इसके सामने नतमस्तक हों। ओम फल्गु सरितः श्रेष्ठा सर्व पाप विनाशनम बालम वृद्धम कृतम पापम हरमे ही फल्गुदकम फल्गु सरितः नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम नमो नमः। सबको जय श्री कृष्ण। गया गदाधराय नमः। जय श्री राम।